हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को बोला गया था कि इस मंगलवार से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक्स के बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर। तो इसके अंदर तकरीबन पहले तो मैंने 17 क्लासेज इसके अंदर डिज़ाइन की थी या 17 क्लासेज को शेड्यूल किया था, और मैंने सोचा था कि आपको 17 क्लासेज के अंदर कैंडलस्टिक्स के सबसे अच्छे और विश्वसनीय 17 पैटर्न के बारे में बताऊंगा। लेकिन गोरिल्ला ट्रेडिंग से जिस प्रकार के मुझे डाउट्स और आप लोगों की क्वेरी देखने को मिली, तो मुझे लग रहा है कि कैंडलस्टिक्स के पीछे का जो साइकोलॉजी है या बेसिक नेचर है उसको आप लोग अच्छे से नहीं जानते हैं, या आपकी जो उसके अंदर प्रैक्टिस है वो काफ़ी कम है। इसलिए आप लोगों को गोरिल्ला ट्रेडिंग के अंदर भी काफ़ी सारी जो मुश्किलें हैं वो देखने को मिल रही है, और आप उसके प्रॉपर पैटर्न को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस फ्राइडे या सैटरडे या संडे को हम उसके अंदर एक लाइव सेशन लेने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा गोरिल्ला ट्रेडिंग पर जितनी भी आप लोगों की क्वेरी है उनको मैं सोल्व कर पाऊँ। दोस्तों देखिए, मैं गोरिल्ला ट्रेडिंग वाली जो मिस्टेक है, यानी कि एक छोटी वीडियो के अंदर एक ज़्यादा नॉलेज देना या यूं कहें कि एक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए शॉर्ट के अंदर कुछ समझाना, वो नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि जो कैंडलस्टिक्स की क्लासेज होंगी, चाहे हमें एक पैटर्न को समझने के अंदर 2 दिन लग जाए, तो हम अपनी जो 17 क्लासेज का शेड्यूल है उसको 34 क्लासेज में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी चीज़ के अंदर हमें डाउट लगेगा तो उसके अंदर ऊपर हम 2 से 3 क्लासेज भी लेंगे, यानी कि ये नहीं है कि हमें इंट्रोडक्शन आज की क्लास में ही कंप्लीट करना है और अगला जो पैटर्न होगा एक क्लास में कंप्लीट करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन को फिलहाल के लिए 2 क्लासेज के अंदर डिवाइड कर दिया है। आज हम कैंडलस्टिक्स के पीछे की कहानी समझेंगे, ये कैसे बनी थी। दोस्तों जहाँ तक कैंडलस्टिक्स की बात की जा रही थी, देखिए किसी बड़े इकोनॉमिस्ट ने कैंडलस्टिक्स को पहली बार यूज़ नहीं किया या बनाया। कुछ गांव के कुछ किसान थे जो अपने बाय प्रोडक्ट, देखिए किसान पूरे 6 महीने अपने खेत में मेहनत करता है और उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट आता है उसी को बेच के उसकी मेन कमाई का साधन वही होता है। अब उसको अगर वो अच्छे प्राइस के ऊपर नहीं बेच पाता तो सोचिए उसके अगले 6 महीने उससे इफेक्ट होने वाले हैं। तो उन लोगों ने प्राइस के अप डाउन को समझने के लिए कैंडलस्टिक्स को बनाया था। यानी कि समझिए आप, कैंडलस्टिक्स को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको इकोनॉमी के बारे में या फिर फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बस आपको ज़रूरी ये है कि आपके सीखने का मन होना चाहिए कि कैंडलस्टिक्स कैसे बने थे और इनका जो डिज़ाइन होता है क्या। तो आज हम वो फार्मर वाली कहानी, यानी कैंडलस्टिक्स कैसे उन फार्मर्स ने बनाए गए थे उसके बारे में जानेंगे, और अगली वीडियो के अंदर मैं कैंडलस्टिक्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा जो मॉडर्न टाइम में यूज़ होते हैं। यानी कि आज हम बिल्कुल पुराने ज़माने में यूज़ होने वाले कैंडलस्टिक्स और उसकी थ्योरी को समझेंगे, और अगले इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 के अंदर हम उसकी मॉडर्नाइजेशन को समझेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेनर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। तो चलिए फिर कैंडलस्टिक्स के पीछे की जो एक स्टोरी है, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, और अगर आप इसको एक बार सुन लेंगे तो आपको शायद, मुझे नहीं लगता, दोबारा कभी ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कैंडलस्टिक को कैसे बनाया गया था और इनके पीछे की थ्योरी क्या। ये उस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों एक किसान होता है तकरीबन गांव के अंदर, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है। मान लीजिए उसने आप लोगों की तरह, या आप लोग हो सकता है ज़्यादा पढ़े लिखे हों, मैं तो 10th और 12th पास ही हूँ, तो मेरी तरह मान लीजिए कोई किसान था, वो गांव के अंदर अपनी खेती बाड़ी करता था। अब क्या हुआ, उसने जब अपनी कटाई वटाई करके, मान लीजिए अब गेहूं का सेशन चल रहा है, तो उसने गेहूं की कटाई करके उसने एक दिन वो रात को सोच रहा था बैठ के कि अब गेहूं की फसल आ चुकी है और मैं इसको बेचने के लिए मंडी में जाऊंगा। लेकिन वो सोच रहा था कि मैं इसको कितने में बेचूं, और वो मन ही मन ये मुस्कुरा रहा था कि मैं इसको सबसे महंगे दामों में बेचूंगा जिससे मेरी जो कमाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगले दिन वो किसान सुबह उठता है और ट्रैक्टर में या जो भी उसके पास लोरी वगैरह है उसमें डाल के अपने जो उसका बाय प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का, उसको लेके मंडी की तरफ चल पड़ता है। वहाँ पर जब वो मंडी के अंदर जाता है तो कि वो देखता है कि किसी का जो गेहूं है वो 1600 रुपये बिक रहा है, किसी का 1700 रुपये बिक रहा है, किसी का 1800 रुपये बिक रहा है। वो वहाँ पर बैठ के उस पूरी स्टोरी को देखता है, थोड़ा समझने का प्रयास करता है, क्योंकि वो थोड़े से लॉजिक के साथ काम करना पसंद करता है। तो उसने देखा कि सुबह प्राइस तकरीबन 1650 के आसपास था, दोपहर में तकरीबन 1700 के आसपास तक भी गेहूं बिका है, और शाम होते होते वो तकरीबन 1800 का रेट भी मिला है, लेकिन ये अलग अलग गेहूं को देख के अलग अलग प्राइस है। तो इतना सब देखने के बाद वो वहाँ पर जो मंडी के अंदर खरीदने वाला, यानी कि व्यापारी या ट्रेडर बैठा हुआ है, या बिचौलिया जिसको हम कह सकते हैं, जो गेहूं को खरीदता है एक किसान से, वो उसके पास जाके कुछ सवाल पूछता है। वो सवाल कुछ ऐसे होते हैं, वो अपना सबसे पहला सवाल, जो लोग आप भी जनरली अपनी कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई भाव क्या चल रहा है।
तो उस जो व्यापारी होता है वो उसको जवाब देता है कि भाई भाव 1700 रुपये क्विंटल के आसपास चल रहा है। तो उसने एक दूसरा सवाल पूछा कि आपने सबसे कम प्राइस में, कौन से सबसे कम प्राइस में आज गेहूं खरीदा है? तो उसने बताया कि तकरीबन 1650 रुपये में सबसे कम कीमत में गेहूं बिका है। तो उसने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, तो सबसे हाई प्राइस क्या रहा था आज मंडी का? तो उसने बताया कि 1780 रुपये क्विंटल के अंदर भी गेहूं आज खरीदे गए हैं। तो थोड़ी देर बाद उसने सोचते हुए बोला कि ठीक है, अगर मैं आपको अपना गेहूं देता हूं तो आप मुझे किस भाव से पैसा देंगे, यानी कि मेरे गेहूं को आप किस भाव से खरीदना पसंद करेंगे? तो उसका जवाब आता है 1720 रुपये क्विंटल। 1720 रुपये क्विंटल का नाम सुन के वो किसान सोचता है कि जब दूसरे का गेहूं 1780 रुपये क्विंटल में बिक चुका है तो मैं अपना गेहूं 1720 के भाव में क्यों बेचूं? तो उसने डिसाइड किया कि वो मंडी के भाव को एक दिन और एक दो दिन और देखेगा, और वो वहीं पर सो गया अगले दिन के इंतजार में कि अगले दिन प्राइस क्या खुलेगा। तो जैसे ही दोस्तों वो अगले दिन उठा, उसने वही स्टोरी फिर से दोबारा पूरे दिन के अंदर देखने को मिली। दिन के दौरान, पूरे के पूरे दिन के दौरान अलग अलग भाव के अंदर गेहूं बिकते रहे, लेकिन उसने अपना माल नहीं बेचा, यानी कि वो अपने गेहूं को लेके वहां पर बैठा रहा, उसने उसको नहीं बेचा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि मैं हाईएस्ट प्राइस में कैसे बेच पाऊंगा। मैं सस्ता नहीं बेचना चाहता क्योंकि मैंने 6 महीने मेहनत की है और मैं सबसे ज़्यादा भाव में अपना गेहूं यहाँ से बेच के जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अगले दिन भी सेम काम किया। शाम होने के बाद वो व्यापारी के पास गया और उसने वही पुराने वाले चारों सवाल व्यापारी से पूछे कि अभी भाव क्या चल रहा है, हाईएस्ट प्राइस क्या गया था आज मंडी का, लोवेस्ट प्राइस क्या गया था मंडी का, और अब फिलहाल अभी अगर मैं आपको आपका अपना गेहूं देता हूं तो आप मेरे से कितने में ले लोगे? तो उसके बाद उसने वो चारों इन्फॉर्मेशन पहले वाले दिन की तरह एक कागज पेन पे, जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए उसने पूरे दिन का जो प्राइस था वो नोट पहले दिन कर लिया। उसने अगले दिन भी सेम चीज़ की, उसने अगले दिन भी अपने गेहूं को नहीं बेचा। उसने तीसरे दिन का इंतजार किया, तीसरे दिन इंतजार किया तो उसने सेम कहानी दोहराई। पूरे दिन के जो प्राइस थे, कितने बजे कितना प्राइस रहा, उसको नोट डाउन करते वो चला गया। उसने दोस्तों तकरीबन चौथे दिन भी सेम प्रोसेस अपनाया और प्राइस के अप डाउन को आराम से पढ़ा। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो जो किसान था या फार्मर था वो थोड़ा लॉजिक वाला था और समझता था कि अगर मैं इसको हाईएस्ट प्राइस पे बेच पाऊंगा तभी मेरी पिछले 6 महीने की मेहनत सफल होने वाली है। तो दोस्तों लेकिन जब इस चारों दिन की इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई तो वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर कंफ्यूज हो गया। उसने देखा कि बाजार का जो प्राइस है वो कभी 1600 रुपये मिलता है, कभी 1700 रुपये मिलता है, कभी 1600 रुपये मिलता है, फिर 1800 रुपये हो जाता है, और ये भाव दिन के दौरान तकरीबन 100-200 रुपये ऊपर नीचे आराम से होता रहता है। तो वो इस प्रकार की जो डिटेल थी, यानी कि हर घंटे के जो उसने प्राइस नोट डाउन किए थे, उनसे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उससे उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। उसने सोचा कि कल 9 बजे तो भाव 1600 था, आज 9 बजे 1700 रुपये है, और अगले दिन 12 बजे जब हाईएस्ट प्राइस है लेकिन आज 12 बजे वो प्राइस लोवेस्ट पे है। तो इस प्रकार से उसको ये समझ नहीं पाया या वो ये कोरिलेट नहीं कर पाया कि किस टाइम पे कितना भाव बाजार के अंदर होता है, यानी कि बाजार के किस समय के अंदर, बाजार के अंदर या मंडी के अंदर सबसे हाईएस्ट प्राइस होता है। तो उसने क्या किया, पूरा दिन सोच सोच के एक नई टेक्निक निकाली। उसने सोचा देखिए जो मिडल प्राइस हैं उनको ज़्यादा एनालाइज करने से या इम्पोर्टेंस देने से कोई फायदा नहीं है। उसने उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट के अंदर एक कंपोजिट कर लिया, या उसने एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि अगर बाजार के हाईएस्ट प्राइस के आसपास जाना है तो मुझे इंफॉर्मेशन को ऐसी जगह पे कंपोज करना होगा, इस तरह से अरेंज करना होगा कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। तो उसने क्या किया कि दिन के दौरान जो 100-200 भाव उसको मिल रहे थे, हर घंटे का एक भाव मिल रहा था, मान लीजिए 12 घंटे मंडी खुलती है, तो उसने 12 प्राइजेस के अंदर कंफ्यूज ना होने की बजाय उसने सोचा कि मैं क्यों ना सिर्फ 4 भाव ही इसके अंदर शॉर्ट कर लो। उसने क्या किया कि ये देखा बाजार कितने बजे खुलता है, उस टाइम प्राइस क्या होता है, बाजार कितने बजे बंद होता है, उस टाइम प्राइस क्या होता है, और सबसे हाई प्राइस मंडी का क्या होता है, सबसे लो प्राइस मंडी का क्या होता है। उसने अपने जो पुराने वाले 4 दिन का जो ये डाटा था, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से हर घंटे के भाव थे, उसको इस प्रकार से 4 प्राइजेस के अंदर बिल्कुल एक कंपोजिट कर लिया, यानी कि उसने रॉ डाटा से थोड़ी बहुत एनालाइज करने वाली इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल ली, या यूं कहें कि रॉ डाटा से जो उसके काम का डाटा था उसको बाहर निकाल लिया, जिसके हम छटनी भी कह सकते हैं, या यूं कहें कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा भी कह
कह सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ड्रॉ डाटा को एक कंपोजिट करने के बाद उसने सोचा कि मुझे 3 दिन यहाँ पर बैठे बैठे हो चुके हैं, और आप लोग जानते हैं कि कहीं भी घर से बाहर रहने की कॉस्ट लगती है, तो उसने देखा कि मैं 3 दिन से यहाँ पर किराए में रह रहा हूँ, ज़्यादा दिन यहाँ पर रुकना मेरे लिए नुकसानदेह है या फिर खर्चा होने वाला है। तो उसने चौथे दिन डिसाइड किया कि आज मैं मार्केट के अंदर उतरूंगा और अपने प्रोडक्ट को सबसे हाईएस्ट प्राइस के अंदर बेचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो चौथे दिन उसने बाजार के प्राइस को दोबारा नोट डाउन करना शुरू किया और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उसने देखा कि बाजार का भाव 1880 के आसपास चल रहा है। उसने अपने तभी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और सोचा पिछले 3 दिन के अंदर प्राइस कभी भी 1892 रुपये से यानी कि 1892 के ऊपर नहीं गया है और आज का प्राइस तकरीबन 1880 रुपये चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस मिल रहा है, क्या पता आज इससे ऊपर जाए ना जाए और ये नीचे आ जाए। तो उसने 1880 रुपये में अपने गेहूँ को बेचने का फैसला लिया और उसने उसको बेच दिया। जैसे उसने गेहूं को बेचा बाजार का प्राइस नीचे आ गया, वो मन ही मन खुश हुआ कि उसने बिल्कुल हाईएस्ट प्राइस के ऊपर अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच दिया है। उसके बाद वो घर चला गया। दोस्तों जैसा ही वो अपने घर पे पहुंचा तो उसके पिताजी या उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने पूछा कि बेटा आप गेहूं को कितने भाव में बेच के आए हैं। तो उसने वो अपनी जो पुरानी पूरी स्टोरी थी कि किस प्रकार से उसने 3 दिन तक बाजार के भाव को देखा और उसके बाद अपने गेहूँ को 1880 रुपये में बेच दिया। 1880 रुपये में गेहूं बेचने की खबर सुन के तकरीबन पूरे गांव में फैल गई और जो आसपास के किसान दूसरे थे वो उसके पास आगे पूछने लगे कि यार हमने तो अपना जो गेहूं था या प्रोडक्ट था कुछ भी जो था वो 1650 रुपये में बेचा है, तुम वहां पर सिर्फ 3 दिन एक्स्ट्रा रुक के अपना गेहूँ 1880 रुपये में बेचने में कैसे सफल रहे। तो उसने वही स्टोरी जो बिल्कुल डाटा वाली, कैसे उसने हर घंटे का प्राइस नोट डाउन किया, कैसे उसने हाई लो ओपन और क्लोज को एनालाइज किया, ये स्टोरी किसानों को बताने स्टार्ट की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो नंबर्स का गेम है, डेटा का चंक है, वो इतनी जल्दी नंबर्स की फॉर्म में समझ नहीं आता। इसको जब हम एक विजुअलाइज वे में प्रेजेंट करते हैं या यूं कहें कि एक फिल्म टाइप में प्रेजेंट करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो सेम बात उन किसानों ने भी कही, कहा कि हमें ये डाटा का मैट्रिक्स समझ नहीं आ रहा है, हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमें किसी आम भाषा के अंदर आप समझाइए कि आप अपने गेहूँ को 1880 के भाव में कैसे बेचने में सफल रहे। तो उसने तभी वहाँ पर आसपास पड़ा कोई कॉपी पेन या बोर्ड पहले जो लोग भी यूज़ करते थे वो उठाया और उनको समझाया कि देखिए यहाँ पर ये आप नॉर्मल सी बात लिखिए, जहाँ पर आज का जो सबसे कम प्राइस बाजार के अंदर है उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बाजार कहाँ पर खुला था, अगर ये इससे नीचे खुलता है या इसके आसपास खुलता है तो इसका जो लो होगा और जो ओपन होगा वो सेम होगा, उसके बाद बाजार कहाँ पर क्लोज होता है इन चारों चीज़ों को, और इसका जो हाई रहता है वो क्या होता है, इन चारों चीज़ों को आप लाइन में लिख लीजिए। उसके बाद उसने क्या किया कि जो ओपन और हाई के नीचे के जो सिग्नल्स है उसके अंदर बताया कि मैक्सिमम ट्रेडिंग जो हुई है इस बॉडी के अंदर हुई है। ये लोग आप ज़्यादातर देखेंगे कि किसी भी जब चीज़ की ट्रेडिंग होती है उसका जो लो पार्ट होता है, हाईएस्ट पार्ट होता है, वह सबसे कम क्वांटिटी ट्रेड होती है। आपने कैंडलस्टिक्स या स्टॉक्स के अंदर काम करते तो कई बार देखा होगा हाईएस्ट और लोअर प्राइस पे मिनिमम क्वांटिटी सेल होती है, जो बीच का प्राइस होता है या एवरेज प्राइस जिसको हम बोलते हैं, हाईएस्ट क्वांटिटी वहाँ पर ही ट्रेड होती है। तो उसने इसी प्रकार से क्या किया कि ओपन लो के एक बॉडी के फॉर्मेट में और लो और हाई को एक मतलब एक लाइन के फॉर्मेट में और ओपन और लो के बीच में जहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हुई थी उसे बॉडी के रूप में किसानों को दिखाया कि इस प्रकार से आप लोग किसी डाटा को लिख के आराम से एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो वो थोड़ा सा स्मार्ट किसान था या फार्मर था, जो कोई भी था जिसको अपने प्रोडक्ट को सबसे हाईएस्ट दाम में वहां पर बेच के आया था, उसने गांव के दूसरे किसानों को समझने के लिए, यानी कि जो थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी की या फिर डेटा मैट्रिक्स की नॉलेज नहीं रखते थे, उन लोगों को समझाने के लिए इस प्रकार का जो डाटा था उसको एक विजुलाइज वे के अंदर यानी कि कैंडलस्टिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है उस टाइम पे ये इसको किसी और नाम से जानते हों, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम के अंदर हम इसको कैंडलस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से उन किसानों ने कैंडलस्टिक्स को बनाया था इस प्राइस के अपडाउन को समझने के लिए। अब आप लोग सोचिए जब वो किसान इस चीज़ को बना सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी उस टाइम के हिसाब से कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की होगी, तो आज तो हमारे पास जो गणना करने के लिए या फिर कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर और कंप्यूटर आ चुके हैं, तो आप लोग तो इसको बड़ी आराम से सीख सकते हैं। यानी कि जो चीज़ तकरीबन 300-400 साल पहले कुछ किसानों ने बनाई थी, कम से कम आज आपके पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट
होने के बाद आप उसको आराम से अच्छे से सीख तो सकते ही हैं। तो आपने देखा कि यह कितनी अच्छी स्टोरी थी कैंडलस्टिक्स के बनने के पीछे, यानी कि कैंडलस्टिक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। आप पूरे दिन का अगर प्राइस चार्ट देखने लग जाएंगे किसी दूसरे चार्ट पर, हम अगर डॉट चार्ट पर देखें तो इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर भाव हर सेकंड चेंज होता है। हर सेकंड अगर आप हिसाब रखने लग गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप 15 मिनट के भाव भी याद रख सकते, क्योंकि 15 मिनट के अंदर तकरीबन 900 बार भाव चेंज हो जाएगा जो आप याद नहीं रख सकते। तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल वो पहले वाले ही जो अपना एक टेक्निक है कि जैसे उस किसान ने लगाई कि पूरे दिन का डाटा याद करने की बजाय हम अपने काम का डाटा उठा लेते हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या रहा, सबसे लोवेस्ट प्राइस क्या रहा, ओपन कहाँ हुआ, क्लोज क्या हुआ। अगर ये चार डाटा पॉइंट्स भी हम अच्छे से समझ पाएँ तो हम बाज़ार की बिल्कुल पूरी की पूरी ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। यानी कि कैंडलस्टिक्स के अंदर सिर्फ चार डाटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, वही कैंडल की शेप बनाते हैं, यानी कि जितने भी कैंडलस्टिक्स के पैटर्न हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ ओपन हाई लो और क्लोज का जो एक एडजस्टमेंट है उसी का नतीजा है। आपने देखा होगा किस प्रकार डोजी के अंदर ओपन जो ओपन और क्लोज होता है वो सेम होता है, तो उसे हम डोजी कह देते हैं। जिसके अंदर जो एक ओपन और लो सेम होता है, हाई और क्लोज वो होता है, उसे हम बुलिश कैंडल कह देते हैं। तो समझिए, देखिए जो कैंडलस्टिक्स है उसके अंदर सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज इन चार डेटा पॉइंट्स के अलावा कोई स्टोरी नहीं है। बिल्कुल समझना इसको बिल्कुल आसान है। दूसरी बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, कैंडलस्टिक्स के अंदर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं। अगर आप लोगों ने चार चीज़ें जान ली कि ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है, उसके अंदर अगली बात जो कैंडलस्टिक्स के बारे में जानने लायक है वो टाइम फ्रेम। यानी कि उसने जो दिन जो भाव नोट किए थे उस किसान ने, वो आपने देखा होगा कि उसने डेली भाव नोट किए थे। उसने जो ओपन हाई लो क्लोज देखा वो डेली का देखा, ना कि घंटे का। क्योंकि अगर वो डेली का ना देखता, अगर वो एक वीक का देखता तो उसको चार हफ्ते वेट करना पड़ता उतना डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। यानी कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपन लो हाई क्लोज के बाद कैंडलस्टिक्स के अंदर है, तो वो है टाइम फ्रेम। दोस्तों, टाइम फ्रेम को इतना महत्वपूर्ण बताने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, ये आप एक बार के लिए सोचिए या खुद से सवाल कीजिए। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, मैं दो बार शायद बोल चुका हूँ पहले ही, कि अगर कैंडलस्टिक्स के अंदर ओपन हाई लो क्लोज, ये तो देखिए बेस है कैंडलस्टिक्स का, इसके बिना तो कैंडलस्टिक्स बन ही नहीं सकते। यानी कि अगर उसके उसके बेस के बाद अगर कोई चीज़ सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक्स के अंदर आती है तो वो होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को इतना महत्वपूर्ण बोलने के पीछे या फिर बनाने के पीछे क्या राज है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, उस किसान की कहानी में आपने देखा कि उसने जब डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट को एनालाइज किया था तो उसको तकरीबन अपना प्राइस लेने में या बेस्ट प्राइस के ऊपर सेल करने में चार दिन लग गए। यानी कि अगर आप टाइम फ्रेम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और हाईएस्ट हाई लो ओपन और क्लोज एक साल का उठा लेंगे, तो एक साल का डाटा मिलने से आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको कम से कम पिछले 5-6 साल का डाटा तो चाहिए। यानी कि आपको अपनी सही पोजीशन या बनाने पोजीशन बनाने के लिए या अपना जो आपका स्टॉक पड़ा उसे बेचने के लिए 6 साल वेट करना होगा। तो क्या आप 6 साल वेट करते रहेंगे अपने स्टॉक को निकालने के लिए? नहीं करेंगे। तो इसलिए टाइम फ्रेम का चूज करना कैंडलस्टिक्स के अंदर बेस्ट ऑप्शन है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है, आप बाजार में एंट्री या एग्जिट लेना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप पिछले 6 दिन का या 7 दिन का डाटा एनालाइज कीजिए। उसके हिसाब से देखिए कि पिछले 6-7 दिन में प्राइस हाईएस्ट कहाँ पर मिल सकता है, आप कहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, और अगर आप एंटर करना चाहते हैं लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, ताकि कम से कम उस टाइम फ्रेम के अंदर तो आप बेस्ट एंट्री ले सके। लॉन्ग टर्म का तो फिर वो अलग सिस्टम हो जाएगा, लेकिन कम से कम उन 6 दिन के डाटा को एनालाइज करके आप 6 दिन के अंदर के जो बेस्ट एंट्री होगी उसको तो ले पाएंगे। इसलिए टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है। आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू 3 महीने का है तो डेली चार्ट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन पूरे 1 दिन का है, यानी कि आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो आपके लिए 15 मिनट 30 मिनट और 60 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक्स हो सकती है। और वहीं आप एक लंबी अवधि के ट्रेडर्स हैं, यानी कि 10 से 15 साल के लिए कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको वीकली और मंथली चार्ट्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने बाजार जो कैंडलस्टिक्स है उसके बारे में दोनों चीज़ें सीख ली, यानी कि ओपन हाई लो और क्लोज, इसके बारे में मैं अगली वीडियो के अंदर भी थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, और दूसरा जो चीज़ है वो है टाइम फ्रेम, दोनों चीज़ें सीख ली है, तो मैं
आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कैंडलस्टिक्स को सीख चुके हैं। इसके अलावा कैंडलस्टिक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी कम समझ आई हो तो इसको रिपीट करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसके बिना कैंडलस्टिक्स के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। यही स्टोरी हर बार रिपीट होगी, ये ऐसे ही कैंडलस्टिक्स बनेंगे। और दूसरी बात टाइम फ्रेम, इसको भी हम टाइम के साथ साथ और थोड़ा एक्सपेंड करते जाएंगे इसके अंदर नॉलेज। जब आपने दोनों ये चीज़ें सीख ली हैं तो अगली बात और कैंडलस्टिक्स के अंदर ये सीख लीजिए, कैंडल सिर्फ दो प्रकार की ही होती है, एक बुलिश दूसरी बियरिश। अब बुलिश क्या होता है, इसके अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बुलिश कैंडल वो होती है जो नीचे खुलती है, जिस टाइम फ्रेम की, जब किसी टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस नीचे खुलता है, मान लीजिए प्राइस यहाँ पर खुला है टाइम फ्रेम के अंदर और क्लोजिंग तकरीबन यहाँ हो रही है, यानी कि खुला नीचे है क्लोजिंग यहाँ पर है, तो उस कैंडल का जो एक जनरल कलर होता है वो ग्रीन हो जाएगा और उसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे। यानी कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा है उसे बुलिश कैंडल कहते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत जो रेड कलर की कैंडल होती है उसे हम बियरिश कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, प्राइस खुलता तो यहाँ पर, यानी कि ऊपर की तरफ प्राइस खुलता है, और जो उसकी क्लोज होती है वो थोड़ा नीचे होती है, यानी कि ओपन और क्लोज। इस प्रकार से जब ऊपर से प्राइस किसी टाइम फ्रेम के अंदर नीचे आके क्लोज हो जाता है तो उसे हम बियरिश कैंडल कहते हैं। दोस्तों यही बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैंने आप लोगों को कैंडलस्टिक्स के बारे में दिया। इसके जो कल की वीडियो जो इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम इसका कुछ आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसकी रेंज क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ कल दोबारा, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।